कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल कर ली। अब वादा पूरा करने में पसीने छूट रहे। 65 दिन बाद 50,000 करोड़ के कर्ज माफी में केवल 6,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए कृषि मंत्रालय को दिए हैं। 25 से 50% खर्चा वहन करने के लिए सहकारी समितियों के प्रशासकों को कहा गया है। कांग्रेस का यह कदम सहकारिता को जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। खंडवा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी मुश्किलों से भरा कदम है, इससे किसान की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। किसानों का पैसा उन्हें देकर सहकारिता को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। किसानों के साथ कर्ज माफी के नाम पर छलावा किया जा रहा है। 44,000 करोड़ रुपये का प्रबंध कांग्रेस सरकार से नहीं हो पा रहा, ऐसे में सहकारिता आयुक्त मध्य प्रदेश ने प्रदेश की सोसाइटी एवं जिला सहकारी बैंकों को पत्र भेजा है। इसका मतलब यह है कि सहकारी समितियों को कर्ज माफी में 25 से 50% ऋण माफी की राशि जुटाना होगी। यह राशि किसानों के शेयर एवं अंशदान तथा अन्य तरह की होती है। ऐसा हुआ तो सहकारिता की स्थिति मध्य प्रदेश में लगभग शून्य हो जाएगी। सोसाइटियाँ जहाँ कंगाल हो जाएगी, वहीं कार्यालय बिक जाएंगे, फर्नीचर बिक जाएंगे और सहकारिता का नाम वो निशान मिट जाएगा। देखिए, कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी का वादा पूरी तरह छलावा है, धोखा है। और ये कर्ज माफी में 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और इस बजट में, अंतरिम बजट में, द्वितीय अंतरिम बजट में मात्र 6,000 करोड़ रुपया कृषि विभाग को दिया गया है। कर्ज माफी के लिए एक और सबसे बड़ी शर्मनाक घटना यह हुई है, मध्य प्रदेश के सहकारिता आंदोलन को तबाह करने का फैसला कमलनाथ सरकार ने लिया है। आदेश जारी कर दिए पैक्स सोसाइटियों को, सेवा सहकारी समितियों को 2 वर्ष तक का कर्ज जिसकी तरफ बकाया है उसके कर्ज माफी में 75% सरकार देंगी और 25% उस सेवा सहकारी समिति को अपनी तरफ से देना है। अब सेवा सहकारी समिति का खुद का कोई फंड नहीं है, वहां जो किसानों के शेयर जमा है वो शेयर ही इसमें इस्तेमाल होंगे। सेवा सहकारी समितियां कंगाल हो जाएंगी। 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बकायादार और 3 वर्ष से अधिक तक के बकायादार के लिए जो आदेश जारी हुआ है, कर्ज माफी का 50% सरकार देंगी और उस तबके के कर्ज माफी में 50% सोसाइटी को अपनी तरफ से देना। ये तुगलकी फरमान है, ये सहकारिता आंदोलन को तबाह करने वाला आदेश है। ये बर्बाद हो जाएंगी सेवा सहकारी समितियां, हाहाकार मच जाएगा पूरे प्रदेश में। इसके लिए भाजपा किस तरह से विरोध करेगी? आज हम इस फैसले का घोर विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इस संबंध में जो भी आंदोलन का फैसला करेगा और अन्य किसान संगठन भी इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आएंगे। और मैं तो सभी से आह्वान करूंगा, जो भी किसान है वो किसान है, सेवा सहकारी समितियां किसानों के हित में काम करने वाली संस्थाओं को तबाह और बर्बाद करने का फैसला कमलनाथ सरकार ने किया है,
एक भी सेवा सहकारी समिति जिंदा नहीं रहेगी, सब पे ताले पड़ जाएंगे, कर्मचारी सड़क पर आ जाएंगे, वेतन देने का पैसा नहीं रहेगा।